गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर सचिवालय में आज गुर्जरों और सरकार के बीच बैठक हुई। बैठक में आरक्षण का लाभ देने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि वो आज की बैठक से खुश नहीं है और जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उसमें चर्चाएं हुई, वेरियस सब्जेक्ट्स पे हुई, लेकिन मैं इस मीटिंग से संतुष्ट नहीं हूं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा। वहीं सरकार और गुर्जरों के बीच मध्यस्थता करने वाले आईएएस अधिकारी नीरज के पवन ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही है। जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ था, सरकार उन पर भी काम कर रही है। उसके लिए डीओपी पूरी तरह से प्रयास कर रही है और जो 70,000 भर्तियां 13 फरवरी के बाद, 13 फरवरी 2019 जब इसका नोटिफिकेशन हुआ था 5% आरक्षण एमबीसी के लिए, उसके बाद से आज तक जितनी भर्तियां निकल रही हैं उन सभी में 5% आरक्षण दिया जा रहा है। 13 फरवरी 2019 के समय जो प्रक्रियाधीन भर्तियां थीं उनमें भी 5% आरक्षण किस प्रकार उनको दिया जा सके उसके लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। क्योंकि कहीं कुछ तकनीकी पेच हैं, कहीं पर न्यायालयों के कुछ निर्णय हैं, उनके आलोक में भी कुछ समीक्षा की जाना आवश्यक है। तो हमें विश्वास है कि इस पूरी बैठक के बाद जो तमाम बिंदु थे उन पर एक सही समाधान निश्चित समयावधि में निकाल लिया जाएगा। ये हमें की एक लाइन की चिट्ठी सरकार से कि भैया एमबीसी समाज में के 5% आरक्षण में किसी और समाज को नहीं जोड़ा जाएगा। हमारी तरह से घनिष्ठ खूब सर्वे करो साहब, लेकिन हमारे 5% में आप कृपा ना छेड़छाड़ करें।